वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग। एंड कल का हम सबका कमेंट पढ़े, काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू। और अभी कल देखे कि 50 कमेंट, जो कि कभी कमेंट्स नहीं आता था, आप लोगों को इतना सारा कमेंट्स आया, तो फिर से हमको एनर्जी मिल गया। और चेहरा का स्माइल देख के आपको समझ में आ रहा, काफ़ी अच्छा फील होता है। मेन बात है, एक बॉन्डिंग बन जाता है। तो जब तक वहाँ से कोई सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं देता तो समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ सही है या नहीं है। तो कल के लिए तीन बेस्ट स्टॉक है जिसमें हम लोग ट्रेड लेंगे। सबसे पहला नंबर जो स्टॉक है अपने पास, GNFC। एंड GNFC को देखेंगे तो ये एक रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रहा है। काफ़ी अच्छा बुलिश रैली आया था इसमें मई मंथ के टाइम में, उसके बाद से मार्केट कंस्टेंट गिरता गया। गिरने के बाद मार्केट रिटेस्ट किया, यानी कि जो ब्रेकआउट जोन आया ना, जहाँ पे ब्रेकआउट आया, रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक होके सपोर्ट बना, प्रीवियस हाई के पास अब ये जा रहा है। जब भी जाता तो वहाँ से नीचे गिर जाता, तो अभी अपसाइड में ये एक रेसिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, दो बार मार्केट नीचे गिरा, तीसरा बार वापस गिरने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या होगा, जब ये ब्रेक होगा, यानी कि जब मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करेगा, ये जब यहाँ से ब्रेक होगा तो वापस जब नीचे गिरेगा तो सपोर्ट का काम करेगा। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग फर्स्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेते, हम लोग सेकंड ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। यानी कि अभी ये रेजिस्टेंस है, ब्रेक होगा सपोर्ट बनेगा, इससे क्या है ना, अपना स्टॉप लॉस हिट होने का जो चांसेस है, यानी कि स्टॉप लॉस और छोटा कर सकते हैं, हम लोग यहाँ तक रख सकते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस काफ़ी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर ऊपर आता है नीचे आएगा तो हिट नहीं होगा स्टॉप लॉस। एंट्री पॉइंट बन रहा है अपना 611.65 के ऊपर, स्टॉप लॉस रहेगा 597.8 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 640 का, सेकंड टारगेट रहेगा 694। सेकंड नंबर स्टॉक है अपने पास GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ये भी रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट कंप्लीट किया, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर देखेंगे मार्केट जब नीचे के साइड में था, यानी कि मार्केट जब यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ गिरता गिर रहा है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज है, वॉल्यूम नहीं दिखाया, मीन्स कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अपना रेसिस्टेंस जब ब्रेक हुआ तो ये सपोर्ट बना, ठीक है, उसके बाद मार्केट जब ऊपर जाने लगा तो अपना वॉल्यूम क्या होने लगा, इंक्रीजिंग पोर्शन में आ गया, वॉल्यूम इंक्रीज होने लगा। तो यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट हम लोग का बनता है, 34.6 के ऊपर एंट्री पॉइंट बन रहा है, जो कि इसके ऊपर जा चुका है। कल अगर इसी के ऊपर मार्केट सर्वाइव करता है तो बाई कर लेंगे, स्टॉप लॉस आएंगे 33.65 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 36.4 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 38.7। थर्ड नंबर स्टॉक है अपने पास IDFC बैंक, एंड IDFC बैंक को देखेंगे तो ये एक रेसिस्टेंस लेवल, काफ़ी दिनों का रेसिस्टेंस था, काफ़ी दिन से मार्केट रेंज में फंसा हुआ था, इस रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा था। अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे आया था ब्रेकआउट के बाद, मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरा भी तो कहाँ तक गिरा, जो अपना यहाँ पे प्रीवियस में रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस सपोर्ट जैसा काम करने लगा। अब सोचेंगे हम लोग कि ये रेसिस्टेंस था अभी तक ट्रेड लाइन, तो मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं गिरा, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लेने के बाद अब क्या हो रहा है, मार्केट इस प्रीवियस हाई के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा, जा नहीं पा रहा। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोग बाई करेंगे, यानी कि अगर ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो नीचे गिरा तो रेसिस्टेंस सपोर्ट बनेगा, फिर मार्केट अपसाइड रैली में जाएगा। हम लोग तब इंतजार करेंगे कि 34.4 के ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 33.7 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 35.4 का, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 37.6। अब निफ्टी के ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी कल क्या करने वाला है। निफ्टी जैसे हम अभी बताया था कि एक बुलिश रैली हम लोग को देखने को मिलेगा, आज भी बुलिश रैली देखने को मिला, मार्केट नीचे गिरा, वापस पुल बैक हो गया, मार्केट हायर हाई बना रहा है कंस्टेंट। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट लो बनाया, मार्केट हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर मार्केट हाई बनाया, फिर मार्केट लो बनाया। अब अगर फिर मार्केट हायर हाई बनाता तो फिर अपसाइड का रैली में जाएगा। तो अभी फिलहाल कुछ दिन से भी मार्केट जैसे हायर हाई बना रहा है, तो अभी इसी तरीके से चलता रहेगा। हम लोग को ट्रेड कब मिलता है, जब मार्केट कोई अच्छा सा रेंज बना देता है, इस तरीके से रेंज बनने के बाद मार्केट ब्रेक करता है तो ऊपर जाता है। तो हम लोग ट्रेड कब लेते हैं, इस रेंज का ब्रेकआउट पे। तो अब यहाँ पे आज देखेंगे तो यहाँ पे रेंज बनना स्टार्ट हो गया, ये यहाँ पे रेंज बनाने लगा है। अब अगर कल का दिन भी इसी रेंज में रह जाता है तो काफ़ी अच्छा बात है, रेंज जितना बड़ा बनेगा उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब अगर कल निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करता है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से इसी के भीतर में ट्रेड करता है, इसको ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करेंगे, नीचे में जो लो रहेगा वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। अपसाइड में मार्केट जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक का हम लोग टारगेट पकड़ेंगे, फर्स्ट ये जो गैप फिल हो जाएगा बैंक निफ्टी का,
यहाँ तक का, यानी कि 16,174 तक का। उसके बाद मार्केट अगर उसको तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हम लोग यहाँ तक का लेके चलेंगे 16,300 राउंड फिगर पकड़ के चलेंगे, इंडेक्स में राउंड फिगर काफ़ी कम है, तो 16,300 तक का हम लोग टारगेट मान के चलेंगे अपसाइड के लिए। डाउनसाइड के लिए अभी जब तक मार्केट इस ट्रेड लाइन को पकड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है हम लोग कोई डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लेंगे। जब इस रेसिस्टेंस इस सपोर्ट लेवल के नीचे मार्केट गिरेगा, यानी कि जो सपोर्ट लाइन है ट्रेड लाइन इसके नीचे आएगा तो सेल करेंगे, वरना स्किप करने की कोशिश करेंगे डाउनसाइड। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी एंड मोमेंट पे क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रेंज क्रिएट किया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करके ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी का जो टारगेट है 35,159, इवन आज हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड भी लिए थे, यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए, रिटेस्ट हुआ, फिर मार्केट ऊपर ही जा रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 35,159 का एंड सेकंड टारगेट है 36,100। तो ये तीन स्टॉक है कल के लिए और निफ्टी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है। इवन ट्रेंड जो है पॉजिटिव साइड ही फोकस रहेगा हम लोगों का, धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, सारा स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव हो गया, HDFC बैंक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया, तो हम लोग का जो बड़ा बड़ा स्टॉक्स है वो सारा स्टॉक ब्रेकआउट पॉइंट पे जा चुका है, मीन्स ट्रेंड थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो रहा है। अब क्या होगा ना, अब मार्केट गिरेगा तो एक झटका में नीचे नहीं गिरेगा, अगर मार्केट को गिरना होगा ना तो मार्केट बार बार सपोर्ट लेगा, क्योंकि अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट मिल रहा है, तो मार्केट गिरेगा भी तो सपोर्ट रहेगा, एक बार में झटका में नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन अपसाइड में जाएगा तो अपसाइड में अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। तो ये होता है कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर। एंड कल का कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हिंदी कुछ ज़्यादा बोल दिए, कल का कमेंट पढ़ के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे को लग रहा है कि हाँ सब कुछ सही है, क्योंकि हम डिसमोटिवेट भी हो गए तो कहीं ना कहीं मेरे मन में नेगेटिव पावर आ गया था, एनर्जी कि कुछ सही नहीं है, तो ब्रेन जो है थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना कि हम लोग इमोशनल हो जाते हैं जब अकेला फील होता है, तो कहीं ना कहीं इतना भीड़ होते हुए भी, इतने लोगों के साथ में रहते हुए भी हम अकेला फील कर रहे थे, तो कल लगा कि नहीं कल हम अकेले नहीं हैं, सब साथ में चल रहे हैं, सबको साथ में ग्रो करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग स्किप करके जो कर सकते हैं कीजिए, मार्केट आपका है, स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ है आपके पास में, आराम से ट्रेड लीजिए, इंजॉय कीजिए। बाय।